अकड़ते अकड़ते एक दिन अकड़ ही गया वो। अहम किस बात का साहब, जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। अयोध्या से वापस आने पर मां कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? तब भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्त्रोत के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। मैं अहंकार अहम, इसने किसी को भी नहीं बख्शा। किन सांसों का मैं इतबार करूं, जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं, जो मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएंगी? किस तन का मैं अहंकार करूं, जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में बहुत प्यार था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, हम कहां मिलेंगे? ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर विद्यालयों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। ज्ञान और धन ने विश्वास से पूछा, तुम चुप क्यों हो? विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखिए। भले ही कोई आपको गिनती में ना ले, पर जिसकी बगल में आप खड़े हो जाएं, उसकी कीमत जरूर बदल देंगे। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है, समय महंगा है, शरीर सस्ता है, सेहत महंगी है, रिश्ता सस्ता है, निभाना महंगा है। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, और 1,00,00,000 काम छोड़कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल आप चाहे कितनी भी समझदारी से कर ले, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के हिसाब से ही उसका मतलब निकालेगा। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ही लेने चाहिए। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद तो अच्छी नहीं हो सकती ना। सादा सलाह देने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जिन रिश्तों में खामोश संवाद होते हैं वो रिश्ते बहुत ही खास होते हैं। अगर आपकी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना मत। वो अपना कर्म कर रहे हैं, हमें अपना कर्म करना है। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की भरपूर ताकत होती है। लॉटरी सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, जिंदगी में एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना, ये जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं, ये मेरा पहला अपराध है। ये जानते हुए भी कि तुम शब्दों से परे हो, मैं तुम्हें शब्दों में बांधता हूं, एक नाम देता हूं, ये मेरा दूसरा अपराध है। ये जानते हुए भी कि तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं, उन्हें पूरा करने को कहता हूं, ये मेरा तीसरा अपराध है। मेरे सभी अपराधों को क्षमा करना, हे प्रभु, सबका ख्याल रखना,
सबका मार्गदर्शन करना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।